हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज है फ्राइडे एंड आज है हमारा थर्ड रोज़ा एंड अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे से गुजर गए हैं और आज है थर्ड रोज़ा। और अभी अभी मैंने पानी नहाया है और मॉर्निंग में बच्चों को खाना वगैरह मैंने दे, जो भी थोड़ा सा काम था बर्तन वगैरह थे उसे क्लीन कर दिया था। और अभी जो है 12:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के, तो थोड़ी देर बाद अज़ा होगी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। आज मैं आपको मेरा फ्रिज बताऊँगी। और मैंने न्यू फ्रिज ली थी, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। ऑलमोस्ट वन एंड हाफ मंथ हो गया है मैंने न्यू फ्रिज लेकर, तो आज मैं आपको बताऊँगी मेरी न्यू फ्रिज। और तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको मेरी न्यू फ्रिज। और इफ्तार में जो भी बनाती हूँ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देखते हैं मेरी न्यू फ्रिज। सो गाइस, दिस इज़ माय न्यू फ्रिज और ये है फ्रिज। और यहाँ पर आपको 10 ईयर्स की वारंटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पर ये मैंने लिया है कन्वर्टेबल फ्रीजर। सो यहाँ देख सकते हो इस तरह से आपको दिए गए हैं बटन्स। और जो मैंने लिया है वो नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, इसमें इस तरह के फ्लावर्स दिए गए हैं। डबल डोर फ्रिज है एंड यू कैन सी इसका बॉटम। सो ओवरऑल मेरी फ्रिज का लुक जो है इस तरह से आएगा। आपको कैसी लगी मेरी फ्रिज बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा मैं आपको इन अंदर बताऊँगी। सो ये है कन्वर्टेबल फ्रीजर। यहाँ पर मैंने 2 जग्स रखे हैं पानी के। और नीचे साइड में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 1, 2, 3 पोर्शंस। अच्छा, सो यहाँ पर आपको इस तरह से ये 3 पोर्शंस मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर 1, 2, 3। ओके, यहाँ पर 3 ट्रेस और ये वाला का जो है बॉक्स आपको मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको मेरा ये रेफ्रिजरेटर फ्रिज अच्छा लगा होगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसकी टोटल प्राइस जो है ये 25,000 में मुझे पड़ा है, तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर किचन में। और अभी अभी मैंने बनाया है अंडा। सो मैं बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ अंडा रोटी, क्योंकि वो लोग को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा वो लोग को अंडा रोटी मैं बना कर दे दूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बनाई हूँ अंडा रोटी। ये है अयान का, ये है अलीना का। अलीशा मैडम जो है अभी सो रहे हैं और ये है अयान। चलते हैं अलीना मैडम को देने के लिए। तो अलीना मैडम जो है यहाँ पर बैठे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो सो गाइज, अभी जो है 5 बज रहे हैं और मैं जा रही थी, बना लिया था तो मैं जा रही थी नमाज़ पढ़ने। सो नमाज़ पढ़ूंगी, देन एक पारा मैं पढ़ूंगी, देन उसके बाद देखती हूँ। आज मैं बनाऊंगी प्याज की पकौड़ी और आलू के भजिए इफ्तार में। और अलीशा के पापा जो है इफ्तारी लेकर आएंगे, मैंने कहा था फ़ोन पर कि थोड़ी सी इफ्तारी लेकर आएँ। अगर वो इफ्तारी लेकर आएंगे, फ्रूट्स लेकर आएंगे, तो मैं फ्रूट्स कट कर लूँगी। चलिए मैं जल्दी से नमाज़ पढ़कर आपसे मिलती हूँ। ऑल राइट गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ाया है चने की दाल उबालने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनती है इफ्तार में। आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची, नमक, नींबू, हरा धनिया, बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरह से बनाती हूँ। और साथ ही मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है। सो इसे मैं पील ऑफ करूँगी और इसे इस तरह से पीसेस में कट कर कर रख लूँगी, क्योंकि मैं बनाने वाली थी आलू के भजिए। मैंने प्याज के पकौड़ी नहीं बनाई है, क्योंकि चने की दाल मैंने उबाल ली थी और थोड़े से भजिए मैंने फ्राई कर लिए थे आलू के। तो दूसरी ओर यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है बोल में, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक।
देन थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, थोड़ी सी हाफ ए टी स्पून उतनी रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहे तो ना डालें। देन थोड़ा सा सोडा, मीठा सोडा, और इसे मैं एक अच्छा स्मूथ बैटर बना लूँगी। तो लम्प फ्री बैटर आपको बना लेना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है, ज़्यादा थिन नहीं रखना है, मीडियम में ही आपको बैटर बनाना है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से बैटर बना लूँगी, देन उसके बाद इसे साइड में रख दूँगी। सो गाइज, इफ्तार का टाइम जो है हो गया था, करीब में ही 10 से 15 मिनट ही थे, तो मैंने इफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दाल भी मैंने बना ली थी, इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, नमक, नींबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे, दैट्स इट, बहुत ही टेस्टी बन जाती है। साथ ही यहाँ पर मैं इफ्तारी बना ले रही हूँ, तो चलिए जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने साथ ही थोड़ा सा टैंक बना लिया था, ताकि ड्रिंक्स होना ज़रूरी है, ठंडा भी था, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग रेडी था, ठंडा पानी मैंने रख लिया था। और यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया था, हम सब लोग ने इफ्तारी यानी कि रोज़ा खोल लिया अच्छे से। इफ्तारी कर ली है, डिनर भी हो गया है, और अभी डिनर करके बैठी हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।